हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर ट्वेंटी डिज़ास्टर मैनेजमेंट लेट अस टेक अ स्लाइड नोटिस अबाउट द व्हाट इज डिजास्टर एंड व्हाट इज मैनेजमेंट यू ऑल नो दैट व्हाट इज डिज़ास्टर लेट अस डिस्कस सम पॉइंट्स रिगार्डिंग डिजास्टर डिज़ास्टर मे बी नेचुरल और मेड यहाँ से आपको पता चलता है कि डिजास्टर दो तरीके के होते हैं एक तो है मेड और दूसरा है नेचुरल मे बी कैटोस्ट्रॉफिक कैटोस्ट्रॉफिक का यहाँ पे मतलब होता है प्रलय मे हैव ऑरिजिनेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ और इन एटमोस्फियर इट इज़ फेल्ट ओवर एक्सटेंशिव एरिया ऑफ द अर्थ एंड ऑल्सो रिजल्ट इन डेविस्ट्रेशन यहाँ पे डेविस्ट्रेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन इट इज फेल्ड ओवर एक्सटेंशन एरिया ऑन द अर्थ एंड इज ऑल्सो रिजल्ट इन डेविस्टेशन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया गया है इट विल बी क्लियर दैट अ डिजास्टर डैमेज लिव्स एंड प्रॉपर्टी टू अ ग्रेट एक्सटेंट बहुत सारी चीज़ें डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर डिजास्टर बहुत सारी चीज़ों का डैमेज कर सकती है जैसे लीव्स मतलब इंसान या तो फिर प्रॉपर्टी सम इवेंट्स लाइक वॉलकैनो इरप्शन अर्थक्वैक सुनामी एक्सेट्रा आर द कैट कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ बोथ नेचुरल एज वेल एज मैन इंड्यूस्ड एक्ट यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसके द्वारा पता चल सकता है कि कौन सा ड्यू टू मैन है और कौन सा ड्यू टू नेचुरल है सम ईवेंट्स ब्रिंग्स प्री प्लान डेविस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्री प्लान और नैचुरल दोनों चीज़ें बताई गई है जिसके अंदर एक प्री प्लान की बात की गई है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि एटॉमिक अटैक बाय यू एस बॉम्बर ओवर हिरोशिमा एंड नागा सिटीज ऑफ जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेयर एज सम इवेंट्स आर रिजल्ट ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस और मिस्टेक्स दोनों तरीके बताए गए हैं एक तो खुद इंसान ने किया है और दूसरा है जो इंसान की गलतियों के कारण हुआ है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है भोपाल गैस स्ट्रेटेजी कारो एक्सेट्रा टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर वी आर अवेयर ऑफ द रिस्क ऑफ डिजास्टर टू डिसाइड द स्ट्रेटेजी फॉर रिलीफ वर्क इट इज नेसेसरी टू नो द रीजन एंड द रिस्पॉन्सिबल सिचुएशंस इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दिस विद रेफरेंस टू ओवरऑल प्रिपरेशन फॉर रिलीफ वर्क एक्सपर्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट हैव डिवाइडेड द डिजास्टर इंटू टू कैटेगरी सिम्पली यहाँ पर डिजास्टर को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है पहला है नेचुरल डिजास्टर एंड सेकेंड वन इज मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर अब आपको भी पता है कि नेचुरल डिजास्टर के अंदर कौन सी कौन सी चीज़ें आती हैं इट इज़ ऑल थिंग विच हैपन ड्यू टू नेचर जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरल खुद में खुद करता है यहाँ पर इंसानों का कोई हाथ नहीं है दिस इंक्लूड्स जैसे कि फ्लड साइक्लोन, सुनामी ड्रॉप, अर्थक्वेक वॉल्केकैनो फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा ऑफ दिस अ फॉरकास्ट इज पॉसिबल फॉर फ्लड्स अब यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जो नेचुरल चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा कोई हाथ नहीं है बट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको हम पहले से पता कर सकते हैं कि ये आने वाला है या नहीं आने वाला है यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ दिस फॉरकास्ट पॉसिबल फॉर फ्लड साइक्लोन सुनामी एंड रॉड ये चार चीज़ें हैं जिसको हम पहले से पता कर सकते हैं जैसे कि फ्लड साइक्लोन सुनामी एंड रॉड वाइल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉरकास्ट अर्थवेट जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे हम पता नहीं कर सकते कभी भी हो सकता है तो फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वैक वॉलकैनो इरप्शन फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा अब दूसरा टाइप है डिजास्टर का वो है ह्यूमन इंड्यूस्ड इसको हम कहते हैं मैन मेड डिज़ास्टर जैसे कि फायर इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट बॉम्ब एक्सप्लोजन राइट एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड चलो चलते हैं सबसे पहला पॉइंट वो है नेचुरल डिजास्टर के अंदर सबसे पहला है फ्लड बहुत सारों को पता है कि फ्लड क्या है तो जरा देखते हैं डिटेल्स के अंदर बाई फ्लड बी जनरली मीन एन एक्सटेंसिव लैंड एरिया रिमेनिंग सब मज अंडर वाटर कंटिन्यूसली फॉर सर्वाइवल डेज अब ये पहली लाइन हमको ये बताती है कि नॉर्मली हम फ्लड सोचते तो, तो माइंड में आता है बाढ़ बाढ़ मतलब जहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है और कोई एक चीज डूब गई है पीपल एसोसिएटेड फ्लड विथ वाटर वेन वाटर रिवर वाटर ओवरफ्लोज इन बैंक्स एंड नियर बाई लैंड्स एरिया कम्स अंडर वाटर और बहुत सारे लोगों को फ्लड का मतलब ये होता है कि नदी का पानी अगर कहीं भर जाए जैसे कि कोई रेसिडेंस के अंदर तो उसे हम बाढ़ कहते हैं फ्लड इट इज़ अ नेचुरल इवेंट एंड इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल फ्लड एक नेचुरल इवेंट्स है इसका मतलब कहीं कोई जगह पर हैवी रेनफॉल हुआ है तो वहाँ पर बाढ़ आ सकती है फ्लड बिकम्स डेंजरियस वैन सम कंस्ट्रक्शन इज कैरिड आउट इग्नोरिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ ड्रेनेज पैटर्न स्लोप ऑफ द लैंड एक्सेट्रा एंड डैमेजेस लीव्स एंड द प्रॉपर्टी ऑन अ लास्ट स्किल अब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं फ्लड बिकम्स डेंजरियस यहाँ पे फ्लड जो भी है बार डेंजरस हो सकती है कब वैन सम कंस्ट्रक्शन इज़ कैरिड आउट इग्नोरिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ कोई कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वहाँ पर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इग्नोर करें तो एंड सेकेंड वन इज ड्रेनेज पैटर्न कहीं हम अगर कोई भी चीज़ लेवल में रखेंगे तो वहाँ पे पानी ऑब्वियसली भर ही जाएगा बट यहाँ पे अगर ड्रेनेज को एक स्लोप में रखें तो वहाँ पे पानी बहता जा सकता है तो यहाँ पे सेकेंड पैटर्न ये भी है कि ड्रेनेज पैटर्न ड्रेनेज पैटर्न हमारा कैसा है अगर सीधा है स्ट्रेट है तो वहाँ पर पानी भर सकता है अगर स्लोपी है तो वहाँ पर पानी चला जाएगा एंड डैमेज लिव्स इन द प्रॉपर्टी ऑन ओ लार्स गिल और इन सब के कारण इन सब गलतियों के कारण यहाँ पे पानी यानी कि फ्लड आ सकता है वॉट टू डू सिंपल क्वेश्चन है कि हम इसे क्या कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो तो सबसे पहला पॉइंट कलेक्ट योर प्रीशियस एंड द पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड टेक रेफ्यूज एट द सेफर प्लेस पहली चीज़ कोई भी कीमती सामान आपकी कहीं पे भी पर्सनल रिक्वायरमेंट हो वहाँ से लेके कोई एक ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ पे लोगों को रखा जाता है तो फर्स्ट पॉइंट यह कलेक्ट यूअर प्रीशियस

मैच मैच बॉक्स इन अ प्लास्टिक बॉक्स और कैसी जगह पे रखना है प्लास्टिक बॉक्स में ताकि उसके अंदर पानी ना घुस सके सो देट दे डू नॉट गेट वेट एंड दे शुड बी कैप विथ यू और आपके पास ही रखना है नेक्स्ट पॉइंट डू नॉट कीप द चिल्ड्रन हंगरी यहाँ पे आपने लड़कों को भूखा नहीं रखना है कुछ मछ उनको देते रहना है तो डो नॉट कीप द चिल्ड्रन हंगरी नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर द फ्लड रिसाइड्स रिसाइड्स का मतलब होता है चले जाने के बाद ड्रिंक ओनली बॉयल वाटर यहाँ पे आपको गर्म पानी ही पहले पीना है नेक्स्ट पॉइंट रेडियो मोबाइल फ़ोन शुड बी कैप विथ यू इन बैरेबली यहाँ पर आपको अपने पास कौन सी कौन सी चीज़ें रखनी है एक तो रेडियो जिसके द्वारा आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्लड मिल सके सेकेंड पॉइंट मोबाइल फ़ोन शुड बी कैप विथ यू यहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन भी रख सकते हो ताकि इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिलती रहे एंड लास्ट पॉइंट इज बी अवेयर ऑफ स्नेक्स दे मे कम टू ड्राई प्लेस कीप अ बैम्बो स्टिक टू ड्राइव देम अवे सिंपल सी बात है सांप वगैरह आ सकते हैं मे कम टू अ ड्राई प्लेस मतलब हर एक जगह गीली होती है तो वहाँ पे जहाँ पे साफ और सुथरी जगह है वहाँ पे सब चीज़ें आती है तो सांप का आने का भी खतरा हो सकता है जिस वजह से यहाँ पे आपको एक बैम्बू स्टिक ले कर रखनी उनको भगाने के लिए तो यहाँ पर ये यह हमने पाँच पॉइंट सॉरी सिक्स पॉइंट्स देखे हैं क्या करना है अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वॉट नॉट टू डू क्या नहीं करना है डो नॉट ईट फूड प्रिपेड इन फ्लड वाटर सिंपल सी बात है कि ऐसी चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है जो बाढ़ के पानी से बनाई गई हो नॉर्मली हम कोई खाना पकाते हैं तो उसके अंदर पानी डालते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर साफ सुथरा पानी ही इस्तेमाल किया जाए नेक्स्ट आता है डो नाट मूव आउट विदाउट कलेक्टिंग ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सिंपल सी बात है यहाँ से सेफ जगह से आपको कहीं नहीं जाना है जब तक आपको कोई एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिले कि हाँ अब आप यहाँ से जा सकते हो अबाउट द रूट्स एंड द सिचुएशन बिफोर मूविंग आउट फॉर अ सेफर प्लेस क्लियर तो यहाँ पे ये यह हमने दो पॉइंट्स क्लियर किए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए नौ no, यहाँ पे हमने पहला एक पॉइंट क्लियर किया वो था फ्लड तो यहाँ पे सब नॉलेज आपको मिल गई नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं वो है साइक्लोन जिसको हम क्या कहते हैं बवंडर भी कहते हैं रेत का तूफान पानी का तूफान एक्सेट्रा अब ये कैसे होता है वो देखते हैं डिटेल्स में ड्यू टू एटमोस्फेयरिक स्ट्रिक्टली सॉरी स्ट्राइक्स सडनली ये दो ही कारण से होता है एटमोस्फेरिक uh, प्रेशर दो ही तरीके का प्रेशर होता है एक तो है लो और एक तो है हाई दीज नोन एज अ साइक्लोन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर हम अलग अलग कंटिनेंट कॉन्टिनेंट के अंदर देखने जाए तो अलग अलग चीज़ें इसके बारे में कही गई हैं जैसे इंडिया के अंदर इसको हम कहते हैं साइक्लोन वैसे ही यूएसए के अंदर इसको कहते हैं हरी एंड एन टॉर्नाडो और चाइना और जापान इसे कहता है टाइफून ठीक है तो इस तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर साइक्लोन को अलग अलग नाम दिए गए हैं दिस सरल्स एटमोस्फेरिक स्ट्रॉम्स आर क्रिएटेड ड्यू टू अनइक्वल एटमॉसफेरिक प्रेशर तो यहाँ पे बताया गया है कि ये साइक्लोन कैसे क्रिएट होते हैं तो सिंपली इसका मतलब ये है कि अनइक्वल एटमोस्फिर प्रेशर के कारण सच स्ट्रॉम्स और साइक्लोन्स क्रिएट डेवस्टेशन डेवस्टेशन का मतलब मैंने पहले भी बता चुका हूँ डिस्ट्रक्शन बर्बाद बर्बादी पूरी चीज़ बर्बाद करके रख देना क्रिएट डेविस्ट्रेशन ओवर द एरिया ओवर दे पासिस जहाँ से भी ये गुजरेगा वहाँ पे पूरा डिस्ट्रक्शन करके जाएगा दिस डेविस्ट्रेशन इफेक्ट आर फेल्ट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड द कच्छ सौराष्ट्र अगर हम इंडिया के अंदर गुजरात के अंदर मोस्टली देखने जाएँ कि अगर साइक्लोन आए तो कौन सी कौन सी जगह पे ये डिस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है ईस्टर्न इंडिया एंड कच्छ एंड सौराष्ट्र तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है वॉट टू डू सो सिंपली फर्स्ट पॉइंट कीप व्यूइंग द न्यूज़ बुलेटिन ऑन टी वी सबसे पहला पॉइंट है कि कंटिन्यूसली आपको टी वी के अंदर न्यूज़ देखते रहना है रेडियोज पे सुनते रहना है रेडियोज टू नो द एंटिसिपेटेड टाइम ऑफ द ऑन कमिंग स्ट्रॉन्ग क्योंकि ये एक नहीं होते ये बार बार आते रहते हैं तो कहाँ पर स्ट्रॉन्ग पहुँचा कब आएगा ये सब न्यूज़ वगैरह टेलीविजन और रेडियो के अंदर ही ज़्यादातर चलती रहती है नेक्स्ट पॉइंट है दोज हु हैव अ रेडियो शुड कीप एन एक्स्ट्रा बैटरी रेडी जिनके पास रेडियो है उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा बैटरी रेडी करके रखना है ताकि आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशंस मिलते रहे नेक्स्ट पॉइंट आता है मोबाइल फ़ोन्स शुड बी केप फुल्ली चार्ज इन एडवांस आपके अपने मोबाइल फ़ोन्स फुली चार्ज रखने हैं ताकि आप आपको न्यूज़ मिलते रहे सब रिलेटेड पॉइंट्स अप टू डेट रखना है न्यूज़ और टेलीविजन्स को इफ यू हैव अ पावर बैंक इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट पावर बैंक इंस्ट्रूमेंट इट शुड बी चार्ज फुली इन एडवांस यहां पर पावर बैंक इंस्ट्रूमेंट का मतलब आता है आपका पावर बैंक वगैरह जो अभी नई नई टेक्नोलॉजी आई है नेक्स्ट पॉइंट आता है लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस वार्निंग ब्रॉडकास्ट ओवर रेडियो एंड इंप्लीमेंट देम यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वार्निंग्स वगैरह दी जाती है ब्रॉडकास्ट की जाती है रेडियो के द्वारा वो टाइम टू टाइम आपको सुनते रहना है और उसे फॉलो करना है नेक्स्ट पॉइंट स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स यहाँ पर बहुत सारे रूमर्स अफवाहें फैलती रहती है कि हाँ अब ये तूफान चला गया है यहाँ पर इतना नुकसान है उन सब अफवाहों से दूर रहना नेक्स्ट पॉइंट स्टोर एडिशनल फूड ड्राई ब्रेकफास्ट एंड ड्रिंकिंग वाटर एज पर द नीड सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोर एडिशनल फूड खाना बचा के रखना है कैसे खाने ड्राई ब्रेकफास्ट वगैरह एंड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको पानी पीना है ड्रिंकिंग वाटर एज पर द नीड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रोविजन ऑफ फूड एंड मेडिसिन नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन एंड द ओल्ड पीपल नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोविजन मतलब संभाल के रखना फूड को संभाल के रखना मेडिसिन वगैरह ले कर रखना नेसेसरी फॉर द चिल्ड्रन एंड द ओल्ड पीपल ज़्यादा से ज़्यादा बीमार यहाँ पर छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े होते हैं इन वजह से यहाँ पर आपको मेडिसिन वगैरह संभाल के रखना है नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इफ़ द रेस्क्यू टीम टेल्स यू टू वैकेट यूर होम अगर यहाँ पर कोई रेस्क्यू टीम आई और वो आपको कहें कि आपको अपना घर खाली करना है तो वहाँ पर आप उनकी बातें माने और वहाँ पर न्यूज सॉरी वैकेंट जगह कर दे फॉलो दे इंस्ट्रक्शंस इमीडिएटली नेक्स्ट पॉइंट इज यूज प्योर एंड द सेफ्टी ड्रिंकिंग वाटर ये तो सही बात है कि यहाँ पे आपको प्योर एंड सेफ ड्रिंक करना है पानी नेक्स्ट पॉइंट ही इफ यू हैव टेकन शेल्टर इन शेल्टर होम क्रिएट बाय द गवर्नमेंट आर एनी एनजीओ देन फॉलो देर इंस्ट्रक्शंस एंड डू नॉट लीव द प्रमाइसिस विदाउट द इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट्स वगैरह आपको हेल्प करती है आपको एक सेफ़ जगह पे लेके जाती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स और एन की आप टोटली totally इंस्ट्रक्शंस माने और आप अपनी जगह छोड़ के ना जाए नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट कीप योर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स टाइड अप टू देर पोस्ट बहुत सारों को लोग बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पालतू जानवर रखने की आदत होती है तो इस समय पे अपने पालतू जानवर को कहीं पे भी बांध के ना रखें उनको खुला रखे ताकि उनको अगर कहीं दूसरी जगह जाना है तो वो जा सके इफ दे आर फ्री दे कैन डिफेंड देम सेल्फ इन अ बेटर वे तो ये हमारे पॉइंट थे वॉट टू डू अब पॉइंट आता है क्या नहीं करना है सबसे पहला पॉइंट डू नॉट पे एनी अटेंशन टू गॉसिप्स और द रूमर्स पहली पार्ट यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें करते रहते हैं गॉसिप्स वगैरह और बहुत सारे अफवाहें फैलती रहती है जो आपको नहीं माननी है एक्सेप्ट टू द इंस्ट्रक्शन वेदर डिपार्टमेंट ऑन रेडियो तो यहाँ पे कौन सी किस लोग किन लोगों की बातें माननी है तो यहाँ पे जो वेदर फॉरकास्टिंग होता है वेदर डिपार्टमेंट होते हैं उनके द्वारा रेडियो के अंदर डे टू डे अपडेशन होता रहता है उनकी बात यहाँ पे माननी है गॉसिप्स और रूमन्स वगैरह नहीं मानना है नेक्स्ट पॉइंट इफ़ द एटमोसफियर काम डाउन सडनली रॉन रेन स्टॉप्स एंड विंड बिकम्स

यहाँ पे आपको कोई भी इलेक्ट्रिक पोल्स को या फिर लूज़ वायर को टच नहीं करना है क्योंकि पानी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फैलता है नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट टेक शेल्टर नियर बिगर हॉर्डिंग्स और लार्ज ट्रीज यहाँ पे आपको ऐसी जगह नहीं स्टे रहना है जहाँ पे बड़ी बड़ी हॉर्डिंग्स लगी हो या फिर जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हो क्योंकि यहाँ पे हवा से पेड़ या फिर हॉर्डिंग्स गिर सकती हैं तो ये हमने आज का दो टॉपिक देखा सबसे पहला टॉपिक था हमारा नेचुरल डिज़ास्टर जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक था फ्लड जिसके बारे में हमने दो चीज़ देखी एक तो क्या करना है और क्या नहीं करना है एंड सेकेंड टॉपिक था साइक्लोन यहाँ पे भी हमने देखे क्या करना है और क्या नहीं करना है अगर यहाँ पे आप किसी को भी डाउट हो तो यहाँ पे आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो थैंक यू बाय